Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. ऐसे एक थप्पड़ पे थोड़ा ज्यादा नहीं खींच दिया? I mean, पूरी मूवी सिर्फ एक थप्पड़ पे। बड़े बड़े लोग कह के गए प्यार में एक थप्पड़ तो चलता है। एक थप्पड़ काफी है। वेलकम टू पैसा वसूल। मैं हूं सुदर्शन। और मैं हूं आनंदो। कुछ साल पहले अनुभव सिन्हा का कैश और रोबोट का एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन 2018 में मुल्क के साथ अनुभव सिन्हा का 2.0 वर्जन आया। उसके बाद आई आर्टिकल 15 और अभी लेटेस्ट रिलीज हुई है थप्पड़। थप्पड़ भी उन दो पिछले रिलीजेस की तरह ही सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है, और आज मूवी के बारे में बात करने हमारे साथ आई है तापसी। तापसी कहाँ गई? तापसी प्रॉमिस किया था ब्रो। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली गलती से मिस्टेक हो गया। तापसी चली गई है फिल्म कंपेनियन के मेन चैनल पे, लेकिन प्रॉमिस अगली बार मैं पक्का किसी ना किसी सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा। पिछली बार 1000 व्यूज के लिए फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे भीख मांगनी पड़ी थी, घंटा कोई आएगा। ट्रेलर में ज्यादातर सीन्स में तापसी पन्नू ही है, लेकिन इस मूवी की स्टार कास्ट बहुत ही बड़ी और भारी है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। मूवी में तापसी पन्नू के साथ है कुमुद मिश्रा, रत्ना पाठक शाह, तन्वी आजमी, दिया मिर्जा और न्यू कमर पवेल गुलाटी। अनुभव सिन्हा की कास्टिंग ऑन पॉइंट है और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब आते हैं मुद्दे पे, जो कि है बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस। फ्राइडे को मूवी के ओपनिंग कलेक्शंस रहे 2.75 करोड़, और सैटरडे को ज्यादा ग्रोथ ना दिखाते हुए कलेक्शंस रहे 4.75 करोड़। हालांकि संडे को कलेक्शंस थोड़े तो बढ़े, लेकिन ओवरऑल बहुत ही लिमिटेड रहे। संडे के कलेक्शंस रहे 6.25 करोड़ एंड ओवरऑल कलेक्शंस रहे 13.75 करोड़, जो बहुत ही एवरेज कलेक्शंस है। हिंदी फिल्मों में इसके पहले भी डोमेस्टिक वायलेंस दिखाई गई है, जैसे कि सात खून माफ, लज्जा, पार्च्ड, प्रोवोक और गुलाब गैंग में, लेकिन उन सभी मूवीज में मेल कैरेक्टर आउट एंड आउट नेगेटिव थे। इस मूवी में विक्रम का कैरेक्टर एक स्टीरियोटिपिकल विलेन जैसे नहीं दिखाया गया है, इनफैक्ट सारे कैरेक्टर्स रियल और रिलेटेबल है। देखिए ऑडियंस का क्या रिव्यू है। इट्स अ वेरी वेल मेड मूवी एंड इट रियली पोर्ट्रेस व्हाट द वुमेन फील व्हेन दे आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय देयर हस्बैंड्स। जो है वो जो टॉपिक है वो बहुत जरूरी थी बताने के लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत अच्छी तरह से बताया है। किसी का हक नहीं होता, किसी मर्द या औरत दोनों किसी पे हाथ उठाना ऐसा बिना कोई वजह के, और फिर उसके बाद सॉरी ना बोलना बहुत गलत है। इसमें समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, हर किसी को इस फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि माइनर मिस्टेक जो है कल लाइफ में मेजर मिस्टेक हो सकता है। तापसी पन्नू इज द बेस्ट, उसका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। तापसी की एक्टिंग जो है बहुत बहुत बेहतरीन रही, उसकी आंखों का जो दर्द है, जुबान से उसने शिकायत नहीं की लेकिन उसका दर्द उसकी आंखों में जो दिखता है वो देखने लायक है। स्टोरी वाइज पिक्चर है, एक थप्पड़ से क्या होता है। मूवी पैसा वसूल है। पैसा वसूल है। Had she accepted him, it would have been absolutely wrong. I think it was a fabulous ending, particularly when he says, I'll have to win you all over. I think every man, sons, mothers, all should watch it. देखिए फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत गलत है, ठीक है। और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कहने के जो डायरेक्टर हमारे हैं अनुभव सिन्हा, उनकी दिमाग की एक खुरप आती थी, ठीक है। वो अनुभव सिन्हा का सब क्या कर रहा है। अनुभव सिन्हा की कहानी के बारे में अगर हम जाने तो ओवरऑल फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत खराब है, एडिटिंग बहुत गंदा है, म्यूजिक फिल्म है नहीं, एक्शन है नहीं, लोकेशन अच्छे है नहीं, तो डिजास्टर है, फुल डिजास्टर है। मूवी को इंडस्ट्री और क्रिटिक्स से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं। आयुष्मान खुराना ने मूवी के बारे में कहा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवीज ऑफ आवर जनरेशन। हमारे इनहाउस क्रिटिक्स अनुपमा चोपड़ा, सुचारिता त्यागी और राहुल देसाई सभी ने इस मूवी को रेकमेंड किया है। हमारी जनता से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये मूवी सपरिवार जाके जरूर देखिए। अमृता के पति को पता नहीं था कि उसके आगे क्या होने वाला है, अगर वो पहले ही माफी मांग लेते तो शायद से उनकी शादी बच जाती। आपसे फिर मुलाकात होगी फिल्म कंपेनियन लोकल पे एक नई मूवी के साथ। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और पेट्रियार्की से दूर रहिए। जय हिंद।